प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और पारा 45 से 46 डिग्री पार कर रहा है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए नगर परिषद डीडवाना ने जिस तरीके से व्यवस्थाएं की, आप देख सकते हैं कि नगर परिषद द्वारा सड़कों पर पानी का छिड़काव करके कुछ राहत देने की कोशिश की जा रही है ताकि राहगीरों को थोड़ी सी ठंडक महसूस हो और गर्मी का थोड़ा कम एहसास हो। आप देख सकते हैं किस तरीके से नगर परिषद द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है। नगर परिषद ये पानी छिड़काव करके कुछ राहत के बूंदें डालकर ये प्रयास कर रही है कि थोड़ा सा तापमान कम हो। आप देख सकते हैं भगत सिंह सर्किल पर फिलहाल नगर परिषद की गाड़ी खड़ी है जो अग्निशमन केंद्र में काम आती है, उसके द्वारा पानी से प्रेशर करके सड़कों पर पानी डाला जा रहा है और पानी डालकर कुछ राहत देने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो पारा है वो 45 से 46 डिग्री को छू रहा है और आप देख सकते हैं कि कितनी गर्मी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे पीछे का नज़ारा दिखाइए जहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई कर्फ्यू का माहौल है, बाज़ार पूरी तरीके से सुनसान है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रॉयल मार्केट का नज़ारा है। रॉयल मार्केट पर पूरी तरीके से आवागमन, आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं के बराबर नज़र आ रही हैं। ये पूरे मार्केट का नज़ारा है और मार्केट में आप देख सकते हैं कि कोई भी वाहन आपको नज़र नहीं आ रहा है और बाज़ार में बिल्कुल सुनसान पड़ी, एकदम कर्फ्यू जैसा माहौल है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से ये मार्केट है और पूरी तरीके से मार्केट एकदम सुनसान पड़ा है। देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे ये डीडवाना कस्बे का नज़ारा है जहाँ पर केवल इक्का दुक्का वाहन और इक्का दुक्का लोग ही नज़र आते हैं जो ज़रूरी काम से बाहर निकलते हैं और किस तरीके से नगर परिषद द्वारा कुछ राहत देने की कोशिश की जा रही है। ये जो नगर परिषद की गाड़ी है, अग्निशमन सेवा केंद्र की गाड़ी है जो सड़कों पर कुछ पानी का छिड़काव करके प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों को राहत दी जाए। देखिए किस तरीके से पानी छिड़का जा रहा है। गर्मी का सितम इतना है कि लोग बाहर निकलना भी मुनासिब नहीं समझते हैं, बिना ज़रूरी काम के बाहर निकलना भी नहीं चाहिए क्योंकि जो गर्मी है इसमें लू लगने का खतरा है और कोई भी तापघात का शिकार हो सकता है जिससे जान की भी आफत आ सकती है। आप देखिए ये जो कर्मचारी है नगर परिषद के अग्निशमन सेवा केंद्र के, ये सड़क पर पानी छिड़क कर कुछ राहत की बूंदें डालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा तापमान कम हो और लोगों को गर्मी से थोड़ी निजात मिले। जब तक बारिश नहीं आएगी, मानसून नहीं आएगा, तब तक तापमान ऐसे ही रहने की संभावना है। आज का जो तापमान है वो 45 से 46 डिग्री के करीब है और इतनी भीषण गर्मी है कि पूरा मार्केट जो रॉयल मार्केट के नाम से जाना जाता है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार फिर आप दिखाइए कि किस तरीके से मार्केट का माहौल है। सभी दुकानों पर लगभग नहीं के बराबर कस्टमर है और लोग घरों में दुबके हैं। मार्केट पूरी तरीके से सुनसान पड़ा है, केवल इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर पूरा का पूरा बाज़ार है वो सुनसान नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बाज़ार का नज़ारा है। कैमरामैन से कहूँगा कि वापस घूम के दिखाए किस तरीके से केवल दुकानदार नज़र आ रहे हैं। जो रॉयल मार्केट है इस पर आप देख सकते हैं कि केवल दुकानदार बैठे हैं, कोई ग्राहक किसी भी दुकान पर नज़र नहीं आ रहा है। एक बार फिर दिखाना चाहूँगा मैं, पूरा का पूरा बाज़ार है वो एकदम सुनसान नज़र, कहीं पर भी कोई भी ग्राहक नज़र नहीं आ रहा है, केवल दुकानदार बैठे हुए हैं और जिन लोगों को ज़रूरी काम है केवल वही बाहर निकल रहे हैं बाज़ार में। बाकी आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके का गर्मी का सितम है और इस गर्मी के सितम से बचने के लिए किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। आप देखिए कि सड़कों को भिगाकर नगर परिषद द्वारा कुछ राहत देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन
हम भी अपील करना चाहेंगे आपसे कि पशु और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें, कुछ ठंड भी महसूस हो इसलिए उनके लिए छायादार वृक्षों के नीचे उनको बिठाएं, परिंदे लगाएं और कोशिश करें कि जो बेजुबान पक्षी है उनको इस गर्मी से बचाने के लिए आप परिंदे लगाएं, उनके लिए दाना डालें और छाया की व्यवस्था करें ताकि कुछ राहत उनको भी मिले। तो आपने देखा कि ये था डीडवाना शहर जिला हेडक्वार्टर का नज़ारा, जहां पर नगर परिषद ने कुछ कोशिश की है, प्रयास किया है कि राहत दी जाए, कुछ ठंडक लोगों को पहुंचाई जाए, उसी के चलते उन्होंने ये प्रयास किया है। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान अब तक। नमस्कार।